नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे नीट एग्जाम को लेकर। नीट एग्जाम में जिस तरीके से धांधली हुई उसके बाद कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से देखा गया और छात्रों का साफ तौर पर ये कहना था कि इस पूरे एग्जाम में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल गलत हैं और दोबारा इसको लेकर पेपर होने चाहिए। अब इसी मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान का साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर गड़बड़ी ज़रूर हुई है और जो भी, चाहे वो उच्च लेवल का अधिकारी हो या निम्न लेवल का अधिकारी हो, जो भी इसमें जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। पूरे देश भर में आज ईद उल अजहा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम जो मस्जिदें हैं उनके बाहर मुस्लिम लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के जामा मस्जिद पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी और यहाँ पर लोगों ने नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। नमाज के लिए लोगों में सवेरे से ही मस्जिद में आना जाना शुरू कर दिया था। ईद के कारण आसपास का इलाका और बाजार गुलजार हैं। ईद उल अजहा से ठीक पहले रविवार शाम को दिल्ली के तमाम बाजारों में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। सोमवार से शुरू ये ईद उल अजहा का त्यौहार बुधवार शाम तक मनाया जाएगा, लिहाजा बाजार गुलजार हैं। जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 6 बजे से, वहीं फतेहपुर मस्जिद में 7:15 बजे से अदा की गई। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में पिछले कुछ समय से पानी की समस्या बनी हुई है। दिल्ली के जो गांव इलाके हैं, गांवों से सटे हुए जो इलाके हैं एनसीआर के, यहां पर पानी की भारी दिक्कत देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इस जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2014, 2019 और इसके बाद 2024 आ गया लेकिन दिल्ली में पानी की समस्या जैसे की तैसी बनी हुई है। वहीं अब आलम यह है कि पानी की समस्या को देखते हुए लोग अब अपने घरों को छोड़कर हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं। राजधानी में भीषण गर्मी के बीच हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिलने से सीमावर्ती गांवों में पेयजल संकट बना हुआ है। करीब एक दर्जन गांवों में ना तो पाइपलाइनों में पानी की आपूर्ति हो रही है और ना ही दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पहुंच रहे हैं। इस कारण इन गांवों के ग्रामीणों ने पानी के मामले में हरियाणा के पड़ोसी गाँवों की शरण लेनी शुरू कर दी है। वो इन गाँवों के खेतों में लगे ट्यूबवेलों व हैंडपंपों से पानी भरकर जाते हैं। लिहाजा दिल्ली के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से लोग हरियाणा के गाँवों की ओर रुख कर रहे हैं और पानी लेकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के सीमावर्ती गांव ढांसा, गालीपुर, दौराला, इसके साथ ही रावता, सारंगपुर, कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली जल बोर्ड के उचवा, दौलतपुर स्थानों पर भी जो पानी की आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। जलाशयों से जल बोर्ड के टैंकर भी पानी लेकर नहीं पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से लोग खासा परेशान हैं। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे मौसम की। गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उससे लोगों का बेहाल है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह और दोपहर के समय तापमान इतना ज़्यादा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 50 डिग्री तक का ये तापमान पहुँच रहा है। ऐसे में लू भी काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है और मौसम विभाग का ये कहना है कि 18 से 20 के बीच मानसून आने की संभावना है। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। तापमान हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उत्तर भारत और दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। यूपी में गर्मी से 33 लोगों की मौत हो चुकी है।
डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से न निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए देश की बड़ी आबादी इस तपती गर्मी के बीच घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेबस हैं देश की राजधानी, जो इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। जब से जून शुरू हुआ है, उत्तर भारत में सीधी दोपहर हो रही है। सुबह से ही आसमान से गर्मी आग बरस रही है, सूरज लगातार धधक रहा है। पहले बात सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की थी, लेकिन अब जान पर बनाई है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा पीड़ित है, जहां गर्मी से 33 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें कानपुर और बुंदेलखंड में ही शनिवार को 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं तापमान की बात करें तो कानपुर में 46 डिग्री तक का तापमान है। इसके साथ ही दिल्ली NCR में 48 से 50 डिग्री के तहत तापमान पहुंच रहा है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।